हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, मैं इस वक्त हूँ बिलरियागंज में और मैं आज बात करूँगा बिलरियागंज की जो आन बान शान है उसके ताल्लुक से। आप लोगों को मालूम होगा कि बिलरियागंज में एक मदरसा है जो कि जामतुल फलाह के नाम से मशहूर है, और ये मदरसा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मदरसे की बहुत सी खासियत है, लेकिन सबसे अहम जो खासियत है इस मदरसे की वो ये है कि यहाँ पर एक कसीर तादाद बच्चों की और बच्चियों की तालीम हासिल करती है और वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं। ये जो हॉस्टल है ये आप पूरा हॉस्टल इतना बड़ा आप देख सकते हैं। ये जो हॉस्टल है ये सफिया मंजिल के नाम से मशहूर है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद रहकर बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं और दूर दूर से आती हैं और अपने घर बार छोड़ कर आती हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। लड़कियों का जो हॉस्टल है उसके बिल्कुल पीछे हूँ मैं आप लोगों को, अब ये जो हॉस्टल है जो बच्चियों का वो दिखाऊंगा। ये जो लड़कियों का जो हॉस्टल है मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये पूरे आज़मगढ़ में ये सबसे बड़ा जो बच्चियों का हॉस्टल है, यानी बेहतरीन अंदाज़ में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सहूलियात के साथ इस हॉस्टल में बच्चियाँ रहकर अपनी तालीम हासिल करती हैं और दूर दूर से और एक कसीर तादाद में बच्चियाँ इस हॉस्टल में रहती हैं और तालीम हासिल करती हैं। हॉस्टल है, इसका ये मेन इंट्रेंस है, यानी यहाँ से बच्चियाँ दाखिल होती हैं और निकलती हैं। और ये ऑफिस है और यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के जो मुसलसल जो मुस्तकिल रहते हैं लोग, जो यहाँ की देखभाल करते हैं और यहाँ के जो मतलब जो बच्चियाँ रहती हैं उनके जो ज़िम्मेदारान आते हैं, जो उनके गार्जियन आते हैं, जो उनके सरपरस्त आते हैं, उनको अगर मुलाकात करनी रहती है या अगर उनको कोई बात करनी रहती है तो यहाँ पर आते हैं इस ऑफिस पर और वो बात करते हैं। और यहाँ पर मुलाकात करने का भी एक बेहतरीन नज़्म किया गया है। अब मैं हॉस्टल के जो आगे साइड आगे की तरफ का जो नज़ारा है उस तरफ मैं आ गया हूँ। ये मैं आप लोगों को आगे की तरफ से ये दिखाऊंगा, ये पूरा हॉस्टल है और यहाँ पर एक मस्जिद भी है। मस्जिद में बच्चियाँ नमाज़ भी पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं और यहाँ पर सिलाई सेंटर भी है। ये जो है ये आगे का नज़ारा है, ये आप आगे का नज़ारा ये देख सकते हैं। अब मैं जो हॉस्टल है इसके बिल्कुल आगे की तरफ आ गया हूँ। अब यहाँ से आप लोगों को एक बेहतरीन नज़ारा आगे की तरफ से देखने को मिल जाएगा। आप ये मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं, ये पूरा हॉस्टल है, इतना बड़ा हॉस्टल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ा हॉस्टल है, इतना बड़ा हॉस्टल है।